हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है और इस आइसक्रीम को बनाना बहुत आसान है। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में मैंने इस आइसक्रीम को बना करके तैयार किया है। आप देख सकते हो ये जो आइसक्रीम है कितनी ज़्यादा परफेक्ट बनी है। तो चलिए आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है। ग्राइंडिंग जार में हम हाफ कप डाल देते हैं दूध। दूध आप उबला हुआ कच्चा दूध कोई भी यूज़ कर सकते हो आइसक्रीम बनाने के लिए। और अब हम ऐड कर देते हैं फ्रेश मिल्क क्रीम। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच ऐड किया है। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश मिल्क क्रीम का यूज़ किया है, आप मार्केट वाली क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हम लगभग 3 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर ऐड कर देते हैं और 3 चम्मच ही हम यहाँ पे शुगर ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से स्मूथ सा हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो घर में हम आइसक्रीम बना रहे हैं तो यही सब फायदे होते हैं। कहने का मतलब है कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम ये आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं। तो इस आइसक्रीम में मैंने मतलब शुगर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी है। कहने का मतलब है जो मार्केट वाली आइसक्रीम होती है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा मीठी होती है, लेकिन मैंने मतलब शुगर थोड़ा सा कम ऐड किया है क्योंकि आम भी मीठा है और आम का टेस्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज के आम को कट करके रख लिया था, उसका पल्प निकाल लिया था। सारे पल्प को हम इसी मतलब दूध वाले मिक्सचर में डाल देंगे और ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने मतलब मिल्क वाले मिक्सचर को थोड़ा सा बाहर भी निकाल लिया था, उसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो आप देख सकते हो ये जो आइसक्रीम का बैटर है ना हमारा, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही परफेक्ट सा तैयार हो चुका है। तो अब जब आइसक्रीम का बैटर हमारा तैयार हो गया तो यहाँ पे हमने एक बॉक्स ले लिया है। सारे बैटर को मैंने बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसका जो लीड है उसे बंद करके हम इसे फ्रिज में रखेंगे लगभग 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद मैं इसे वापस से ओपन कर लेती हूँ और अब आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे से मतलब अभी नहीं जमी है, थोड़ी सी मतलब जमी है, लेकिन परफेक्टली जैसे आइसक्रीम जमती वैसी नहीं जमी है क्योंकि मैंने इसे अभी कम टाइम के लिए रखा है फ्रीजर में। तो इसे मैं वापस से थोड़ा सा इस तरीके से क्रश कर लेती हूँ और यहाँ पे मैंने थोड़े से मैंगो चंक्स ले लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसे कट कर लिया था और इसी में ऐड कर देते। जब हम ये आइसक्रीम खाएंगे ना तो मैंगो के चंक्स आएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैंगो चंक्स को हम पूरी आइसक्रीम में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अगर आप पसंद करें तो आप इसे मतलब डालें, नहीं तो आप विदाउट मैंगो चंक्स डाले भी आइसक्रीम बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगेगी। तो बस सारे मैंगो चंक्स को मैंने अच्छे से मतलब मिक्स कर लिया है और इसे बराबर कर लिया। तो यहाँ पे अब हमने जो मिल्क का मिक्सचर निकाला था ना, उसे हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इससे क्या होगा, ये जो आइसक्रीम है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। कहने का मतलब है कि कहीं पे आपको मैंगो का टेस्ट आएगा तो कहीं पे आपको मिल्क का टेस्ट आएगा। आपको ये मतलब डालना भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप पूरी आइसक्रीम सीधे सीधे भी बना सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसे अलग करने की वजह से इसे इस तरीके से बनाया है। तो अगर आप जैसा भी मतलब पसंद करें आप कर सकते हो, नहीं तो आप मेरा तरीका भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये मिल्क डाल दिया है और अच्छे से सारे आइसक्रीम में मिला दिया है। तो जितनी जगह थी मैंने मोल्ड को अच्छे से फिल कर दिया है। अब हम इसमें लगा देते हैं क्लिंग रैप, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल ना आए और हमारी जो आइसक्रीम है बहुत ही परफेक्ट सी जम करके तैयार हो जाए। तो अब हम बॉक्स में लीड लगाएंगे और इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे फ्रीज़र में। लगभग 5 से 6 घंटे के लिए इसे हम जमने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 घंटे के बाद मैं इसे वापस से ओपन कर रही हूँ और आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट हमारी आइसक्रीम जम करके भी तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम को सर्व करने के लिए स्कूपर का यूज़ किया है। इससे हम इसे सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आइसक्रीम कितनी परफेक्ट जम करके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट हमारी ये आइसक्रीम निकल रही है, बहुत ही परफेक्ट बनी है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम। घर में आप इस तरीके से तैयार कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि बच्चों की तो आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है, तो आप इस आइसक्रीम को घर में ही तैयार कर सकते हो। मार्केट से लाने की क्या ज़रूरत है, बहुत ही कम टाइम में और फटाफट से आइसक्रीम तैयार हो जाती है। बहुत ही परफेक्ट बनी है, एक बार आप भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। खाने में बहुत ही टेस्टी है, बच्चे बड़े सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आपको मेरी आज की यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।